चंदौसी में सपा के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी के आवास पर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय सचिव पूर्व मंत्री रमेश प्रजापति का सतीश प्रेमी ने चांदी का दिव्य मुकुट पहनाकर स्वागत किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रजापति समाज की अहम भूमिका को देखते हुए संभल जनपद के चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में चौपाल लगाकर सपा सरकार की नीतियों को बताते हुए सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व मंत्री रमेश प्रजापति चंदौसी पहुंचे। शुक्रवार को सपा के वरिष्ठ नेता एवं 31 विधानसभा के संभावित उम्मीदवार सतीश प्रेमी के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भाजपा को सबक सिखाने के लिए छोटे दलों से गठबंधन करेगी। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, किसान लाचार, कहीं सुनवाई नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में सपा की लहर है, भारी सीटों से अखिलेश यादव प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हमारे समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति जी पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं और प्रदेश में प्रजापति समाज की चौपाल लगा करके, पिछड़े वर्ग की चौपाल लगा के उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव 2022 सन्निकट है। मतलब भाजपा की हमेशा नीति रही है, जब जब चुनाव आया है उसने धर्म को लेकर के, मंदिर और मस्जिद को लेकर के लोगों में खाई पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन क्योंकि जो पिछड़ी जातियाँ हैं अक्सर इनके बहकाए में आ जाती हैं और उसी को टारगेट करके माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको भेजा है कि वो बतावें कि मंदिर मस्जिद से भला प्रदेश का होने वाला नहीं है, भला केवल विकास से होगा, किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की समस्याओं से होगा, समस्या हल होंगी जब ही मतलब उनके बल पर पाएगा। हम आम आदमी के, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, छात्रों के लिए रोजगार की व्यवस्था लेकर के, पढ़ाई की व्यवस्था लेकर के, विकास को लेकर के और भाजपा की जनविरोधी नीतियों को उजागर करने के लिए चौपाल कर रहे हैं। इसी मकसद से रमेश प्रजापति जी आए थे, उन्होंने आज कार्यक्रम किया है। देखिए ये कार्यक्रम, ये चंदौसी या संभल का नहीं है, ये हम आज हमारा 132वां दिन है और हम इसलिए चले हैं क्योंकि ये गरीब जातियाँ बड़ी भोली भाली हैं और ये धर्म और आस्था और मंदिर और मस्जिद के नाम पर ये जो रास्ता अपनाना चाहिए उस रास्ते से हटकर भाजपा की चाल में आ जाती हैं। ये बात समझाने के लिए हम मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बागपत और उससे बाद में गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़, आगरा और फिर अगले चरण में हम चले हैं बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और आज आपके जनपद संभल में हम हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी जनपद संभल के जिलाध्यक्ष श्री असगर अली अंसारी जी हैं, हमारे साथ श्री सतीश गौतम जी हैं, प्रेमी जी हैं और हमारे साथ शरद कुमार जी हैं और महासचिव श्री कृष्णम मुरारी जी हैं और समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश प्रजापति एडवोकेट हैं। हम इन सब टीम और कारवा के माध्यम से गांव-गांव प्रजापति चौपाल और पिछड़े वर्ग की जो है बात को सुनने के लिए, अपनी बताने के लिए, समझाने के लिए कि ये जो सबसे बड़ी झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने देश को धर्म और आस्था के नाम पर गुमराह किया है। इन्होंने 340 वायदे किए, एक वायदा पूरा किया हो तो कोई हमें बता दे। जबकि समाजवादी पार्टी ने जब 2012 की सरकार बनी थी तो दवाई और पढ़ाई मुफ्त करने का काम किया, लैपटॉप देने का काम किया, कन्या विद्याधन देने का काम किया, बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया और सबसे बड़ी जरूरत जो संविधान की धारा 340 और 341 में लिखी है कि जो असमानता है, ये जो अविषमता है उसको दूर करने का काम आरक्षण के माध्यम से करने का काम किया और एक मांग की कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने बराबर मांग की है कि इन सभी जातियों की आप जातीय जनगणना करा लो, लेकिन केंद्र की सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ये सिर्फ टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या के कठपुतली